दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी एकदम नए तरीके से, यूनिक तरीके से। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। दोस्तों चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ, सब्जी की रेसिपी बनाते जा रही है। दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मुझे सर्दी हुई है इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ थोड़ा दबा दबा लग रहा होगा। चलिए दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। ब्लैक वाला बैंगन है जो मार्केट से लाई थी दोस्तों। दोस्तों ये है बैंगन, ब्लैक वाला बैंगन है दोस्तों, देखिए। और यह बैंगन, ये रहा दो आलू। मैं इसका सब्जी बनाने जा रही हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखते रहिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये रहा कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी दोस्तों। दोस्तों ये है बैंगन, देखिए ब्लू कलर का है, ये ब्लैक वाला बैंगन मैं ली हूँ दोस्तों। और मैं इसका सब्जी बनाने जा रही हूँ इनू तरीके से, नए तरीके से दोस्तों। और इसे मैं काट कर पानी में बहुत कर छोड़ती थी ताकि वो ये कलापन न रहे, इसमें कला लग जाता है दोस्तों, कला आ जाता है अगर पानी में इसको डाल कर नहीं बहुत के रखिएगा तो एक ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये रहा आलू, ये नया वाला आलू है जो भी मार्केट में चल रही है दोस्तों। और इसे मैं बोखला छील कर पानी में डुबा कर मैं छोड़ देती हूँ, तो अभी मैं बाहर निकाल रही हूँ, इसका मैं कटिंग करूँगी, इसके बाद मैं आय का प्रोसेस शुरू करूँगी दोस्तों। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और इधर मैं अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, जितनी ज़रूरत है उतनी मैं इसमें तेल ऐड करूँगी दोस्तों। अब मैं इसमें डालूँगी कढ़ाई, इसे चटकने दूंगी दोस्तों। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, उसके बाद में इसमें डालूंगी प्याज के साथ में आलू डालूंगी। दोस्तों आलू में खोल ली थी, अब इसमें बैंगन डाल दी हूँ, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर लगता है। अब सब्जी हम मुझे बैंगन की टेस्ट कर रही है, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। दोस्तों अब मैं ढक्कन हटा कर चेक कर लेती हूँ, देखिए यह रहा मसाला। मसाला का पेस्ट बना रहे हैं दोस्तों, इसमें लहसुन मिर्चा हल्दी गोलकी जीरा है छोला मैं कितने डाले हैं दोस्तों, इसमें बाद में इसमें करके मसाला भूनने से इसका साइड में करके मसाला भूनने से बहुत अंदर होता है दोस्तों, इस साइड मसाला भून लीजिएगा, इसके बाद इसको साइड में कर दीजिए ताकि ये भी अपने तरह से भूना नहीं अपने तरह से भून जाए। ऐसे करने से ना पूरा मसाला इसमें हो जाता है, पता से भून जाता है दोस्तों। उसका मैं ढकन हटा के उसके बाद देखिए होता है, देखिए इसे मसाला खोल कर रहे हैं तो इधर हो जाता कर रही हूँ। तो ये टमाटर है,
टमाटर का तो आलू बैगन बढ़िया से खा लेते हैं। हम इसको ऐसे कर देते हैं, काटने के लिए धो देते हैं ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से गल गया है, देखिए टमाटर भी देखिए इसी तरह से गल गया है, टुकड़ा भी देखिए इस तरह से बनाइएगा कि इसका अलग ही टेस्ट आता है दोस्तों। आप अपने घर पर ट्राई जरूर करिएगा। चलिए मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ दोस्तों, जितनी ज़रूरत है उतने ही पानी इसमें ऐड करेंगे। चलिए मैं इसे ढककर अब थोड़ा देर के लिए पकाती हूँ दोस्तों। गैस का आँच एकदम धीमा रहेगा दोस्तों, हमें गैस कम करके ही इसे हमें बनाना है, तभी जाके जो भी इसमें कमी होंगी वो इसमें घुल कर अच्छी तरह से पक जाएंगे दोस्तों। चेक कर लेती हूँ फिर से हमारी सब्जी लाजवाब बनी है। देखिए देखिए किस तरह से है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये सब्जी बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू बैंगन का सब्जी। आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए अब मैं धनिया पत्ता उसके ऐड कर रही हूँ, दोस्तों ये मेरा बनाने का तरीका। आपको कैसा लगा आलू बैंगन की सब्जी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। देखिए तब तक लेते हैं, केयर एंड बाय।